क्वेश्चन वर्ड पास्ट से संबंधित हम क्वेश्चन कैसे पूछें, जो बीत चुका है उसके बारे में हम क्वेश्चन किस तरह से हम पूछेंगे वो देखिए। क्वेश्चन पूछने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी यदि हम आंसर यस और नो में चाहते हैं तो। फर्स्ट नंबर देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वन, यानी कि ये जो वन है वो मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड नंबर क्वेश्चन वर्ड डिड और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन वर्ड की जगह हम अपने सेंटेंस के अनुसार हम क्या पूछना चाहते हैं उसके अनुसार हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, वेयर, विच, व्हाट, हाउ, हुम, हुज, व्हाई, एटसेट्रा। थर्ड नंबर देखिए, वेयर डिड वी गो यस्टरडे, हम कल कहाँ गए, वेयर डिड वी गो यस्टरडे, हम कल कहाँ गए। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, फोर्थ नंबर देखिए, तुमने कल क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। ईट की जगह पे आप टेक और हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, कल तुमने क्या खाया। विच बुक डिड यू बाय दैट डे, उस दिन आपने कौन सी किताब खरीदी। विच गेम डिड यू प्ले यस्टरडे, कल तुमने कौन सा गेम खेला। हाउ डिड यू राइट दिस, हाउ डिड यू राइट दिस, यह तुमने कैसे लिखा, हाउ डिड यू राइट दिस। सिक्स नंबर में सिक्स को देखिए, हाउ डिड यू राइट दिस, हाउ डिड यू राइट दिस, तुमने यह कैसे लिखा। और भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के सहायता से, पास्ट से संबंधित। पास्ट से संबंधित हम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन वर्ड के बाद में डिड का यूज करना होगा, और डिड के बाद में एक्शन कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, यानी कि सब्जेक्ट स्पीक करेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, वो एक्शन क्या है जो हम ने किया है या उसने किया है। जैसे कि काम करने वाला यदि आप हो तो यू, थर्ड पर्सन है तो ही, सी और दे, इस तरह से हम यूज करते हैं। और भी सेंटेंस हम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं पास्ट से संबंधित, जैसे हाउ डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे किया। और यदि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हैं डिड से पहले तो आंसर यस और नो में आएगा, जैसे क्या तुम कल अलवर गए, डिड यू गो टू अलवर, डिड यू गो टू अलवर, क्या तुम कल अलवर गए, तो इसमें आपको आंसर देना होगा यस और नो में। आपने देखा होगा इन सब में ही अधिकतर में जो हिंदी के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब में अधिकतर में आई ई ए का आवाज़ आ रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो नए टॉपिक और नए लेसन के साथ।